Dear students, welcome to maths lesson. We have discussed many functions in previous lessons. Today I am taking a new function, that is signum function. What is the definition of this function? Let's see. This function is defined from R to R. R to R means real number to real number. Set of real number is very big set. It includes all the rational numbers with irrational numbers also. इसमें rational number के साथ साथ irrational number भी include होती है. You have already learned it in class 10th. Signum function is defined as modulus x upon x, where x does not equals to zero. अब जानते हैं denominator में जब x आ जाता है और integer या real number लिए जाते हैं तो real number में integers भी ऑलरेडी इंक्लूड हैं, तो नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए. ये हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन में भी देखा था. पी एंड क्यू आर इन इंटीजर सेट एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो. इसमें भी डिनोमिनेटर में एक्स है तो एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए. अब प्रश्न उठता है कि जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी. तो अकॉर्डिंग टू इस डेफिनेशन फंक्शन वैल्यू एट जीरो इज जीरो. इस फंक्शन की वैल्यू जीरो मानी गई है जब आप एक्स इक्वल्स टू जीरो लेते हैं. वैसे तो आप देख सकते हैं कि एक्स जो वैल्यू लेता है वो डिनोमिनेटर में भी उसको लेनी पड़ेगी. तो जीरो अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है फंक्शन की वैल्यू एक्स जीरो लिया जाता है तो वहां पर जीरो ही है. ये बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है. इसमें आप देखेंगे कि एक्स तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लेना है, बस इसका ध्यान रखना है. लेकिन आप देखेंगे कि इसकी जो रेंज है वो लिमिटेड है. बहुत इंटरेस्ट आता है जब इसकी वैल्यूज को जब पुट करते हैं और फिर फाइंड करते हैं इस फंक्शन की वैल्यू. देखते हैं, मैं एक छोटी सी आपके सामने जिससे आप फेमिलियर हैं नंबर लाइन बना रहा हूं. यहां पर देखना, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री. देखिए, अब मैं फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं. देखना, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स. मैं अभी पॉजिटिव साइड में चल रहा हूं, जीरो भी नहीं ले रहा हूं क्योंकि जीरो पर तो इसकी वैल्यू जीरो है. मैंने लिया यहां मॉडुलस के अंदर वन, पॉजिटिव वन लिया, ये वाली वैल्यू ली. तो इसकी डेफिनेशन है कि जो वैल्यू एक्स है ऊपर वही के वही वैल्यू नीचे भी रखनी है, लेकिन ऊपर थोड़ा सा मॉडुलस का साइन है. मॉडुलस को भी आप जानते हैं, मॉडुलस में से बाहर जो आने वाली वैल्यू है ऑलवेज बी पॉजिटिव. बाहर आने वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है. अपॉन वन, तो जो पहले से ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही बाहर आएगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है. तो जब x की वैल्यू 1 पुट की तो 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 से 1 ही मिलेगा. अब बात करते हैं दूसरी वैल्यू की, तो मॉडुलस 2 अपॉन 2 गिव्स 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1. x की वैल्यू 2 पुट की तो फंक्शन की वैल्यू 1 ही मिली. देखें, 3 पुट करते हैं तो मॉडुलस 3 अपॉन 3 गिव्स 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1. x की वैल्यू 3 पुट की तो भी हमें फंक्शन की वैल्यू 1 ही अचीव हुई, रिसीव्ड हुई. ऐसे अगर 4 पुट करेंगे तो 4 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 तो 1.
तो पॉजिटिव साइड में आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे, पॉजिटिव साइड वाली जितनी भी वैल्यूज एक्स की लेंगे आप, उनके करस्पोंडिंग आपको फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वन मिलेगी। तो इसको यहां कंक्लूड कर लेते हैं कि जब हम एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, तो हमें केवल वन रिसीव होता है। इतनी सारी अनलिमिटेड वैल्यूज ली तो भी केवल वन ही मिला, बेटर आराम से। और जब एक्स की वैल्यू जीरो लेते हैं तो ये हमने डेफिनेशन में ही पहले ही लिया जा चुका है, इसको पहले ही लिया है कि जब एक्स की वैल्यू जीरो ली जाती है तो फंक्शन जीरो वैल्यू देता है एक्स। अब मॉडुलस के अंदर मैं माइनस वन पुट कर रहा हूं, माइनस साइड लेते हैं, ये माइनस वन लिया तो माइनस वन अपॉन वन, और आप जानते हैं मॉडुलस में से हमेशा नेगेटिव वैल्यू अंदर है तो पॉजिटिव वन के बाहर निकलेगी, माइनस वन, वन अपॉन माइनस वन। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर का माइनस वन अलाइव है लेकिन ये रिमूव हो चुका है, तो वन अपॉन माइनस वन से माइनस वन आंसर मिलेगा। देख लीजिए ध्यान से, माइनस से इनटू ऊपर नीचे किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस वन ही मिलेगा। दोबारा निकालते हैं दूसरी वैल्यू पुट करके, एक्स इक्वल्स टू हम माइनस टू रखते हैं, तो माइनस टू अपॉन माइनस टू, तो माइनस टू मॉडुलस में है तो माइनस टू से हमें मिलेगा पॉजिटिव टू अपॉन माइनस टू माइनस वन। देख लीजिए माइनस टू डिनोमिनेटर में, टू अपॉन माइनस टू गिव्स माइनस वन। एक और निकाल लेते हैं कंफर्म हो जाए, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री, तो माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री, मॉडुलस से कितनी वैल्यू बाहर आई, पॉजिटिव थ्री अपॉन माइनस थ्री गिव्स माइनस वन। आप देखेंगे कि जब नेगेटिव वैल्यूज पुट की हैं तो हमारे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव वन हमें रिसीव हुई है। तो यहां इन सब को हम कंक्लूड करके लिख लेते हैं, व्हेन एक्स लेस देन जीरो देन फंक्शन वैल्यू इज माइनस वन, तो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन रेंज। और ये जो सारी वैल्यूज थी वो हमारा डोमेन था। आप चाहे तो इरेशनल वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, पाई की वैल्यू आपने पुट की मान लीजिए एफ एक्स मॉडुलस में, पाई आप जानते हैं इरेशनल नंबर है, पाई पाई से मिला पाई तो वन, आप अंडर रूट थ्री पुट कर दीजिए, अंडर रूट थ्री से बाहर अंडर रूट थ्री आएगा मॉडुलस से, अंडर रूट थ्री अपॉन अंडर रूट थ्री गिव्स वन। तो इनके अलावा फोर्थ वैल्यू कोई नहीं आती इस फंक्शन की, तो ये सिग्नम फंक्शन है। अब इसका क्योंकि आपके सिलेबस में ग्राफ्स हैं इन फंक्शंस के, तो इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। यहां पर वैल्यूज को मैंने कंक्लूड कर दिया आपके सामने, और यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस दो खींच ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन पॉइंट। जब हम पॉजिटिव साइड लेते हैं एक्स की वैल्यू वन, तो फंक्शन की वैल्यू वाई एक्सिस पे आपको देखनी है, फंक्शन की वैल्यू वाई एक्सिस पे, तो एक्स की वैल्यू वन तो वाई की वैल्यू वन, एक्स की वैल्यू टू ग्रेटर देन जीरो चल रहा है पॉजिटिव साइड में तो फंक्शन की वैल्यू वन ही मिल रही है, फंक्शन की वैल्यू वन ही मिल रही है। एक्स की वैल्यू थ्री इंक्रीज करते जाएंगे तो फंक्शन गिव्स वन वैल्यू, एक्स की वैल्यू फोर फंक्शन गिव्स पॉजिटिव वन वैल्यू, सो वी ऑब्टेन ए पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस व्हेन
x equals to 0, then function value is 0. When x 0, function gives value 0. So this is point of origin. Now come to negative values. When we put minus 1 to this side, function gives. When x value is minus 1, function gives minus 1 value. तो x की value minus 1 put की, तो function ने हमें minus 1 दिया. ये function value है, ये सारी function values हैं. जब x की जगह पर minus 2 put करते हैं, तो function minus 1 ही देता है. जब x की जगह पर माइनस 3 पुट करते हैं तो फंक्शन माइनस 1 वैल्यू देता है. ऐसे कंटिन्यू करेंगे और ये ग्राफ आता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो दिस इज ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन. वी विल मीट अगेन इन न्यू लेसन टुमारो. थैंक यू.